हाय फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं काले तिल के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आराम से बन जाता है। इसको बनाना बहुत आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। इसके लिए मैं 300 ग्राम तिल जो धुल के मैं अच्छे से सुखा ली हूँ, ये 300 ग्राम मेरा तिल है, इसको मैं भूनूंगी। 300 ग्राम तिल में 300 ग्राम मैं गुड़ डाल रही हूँ, जो कि मैं बारीक कट कर ली हूँ। 50 ग्राम मेरा अदरक है, 4 चम्मच पानी है, इसको मैं घिस लूंगी अदरक को। ऐसे ही सभी को अच्छे से बारीक घिस लेना है। देखिए सब घिस गया है, इसको हम एक जगह इकट्ठा निकाल लूंगे। एक बर्तन में गुड़ आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा खाना पसंद करें। मेरे घर में थोड़ा ज्यादा मीठा खाया जाता है, नहीं तो इस 250 ग्राम गुड़ में भी हो सकता है 300 ग्राम तेल में। अब हाई फ्लेम पे मैं एक पैन रख दूंगी, कोई भी कढ़ाई हो, और तिल को मैं अच्छे से भून लूंगी। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून रही हूँ। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद तिल अपने आप महक आने लगती है, सोंधा सोंधा, और तिल चटकने भी लगता है, तो पता चल जाता है तिल आपका भुन गया है। देखिए ये 3 से 4 मिनट हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लगे हल्का हल्का और सोंधा सोंधा महक आने लगी है, और तिल भी चिटकना अब शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ी देर और हम भूनेंगे 1 मिनट के लमसम, ऐसे ही चलाते रहना है बराबर। देखिए ये भून के तैयार होने वाला है। परफेक्ट माप के साथ बने तो बहुत टेस्टी बनता है तिल का लड्डू। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लूंगी, निकाल के मैं ठंडा कर लूंगी। फिर उसी पैन को मैं हाई फ्लेम पे रख दूंगी। ये जो 4 चम्मच पानी है, उस पानी को मैं डाल दी, और इसमें मैं अदरक घिसा हुआ डाल दूंगी, 50 ग्राम इसका जो माप है, और ये गुड़ है 300 ग्राम। फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे अच्छे से बराबर। 2 से 3 मिनट चलने के बाद फिर ये ढीला हो जाएगा और पाक बनना शुरू हो गया। ये 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसका जो चाशनी है ना, ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो टाइट हो जाएगा लड्डू, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए बस एक तार बनेगा तो चाशनी बन के तैयार हो जाएगी, या कलर चेंज हो जाता है, देखने से पता चल जाता है कि चाशनी आपका बन के तैयार है। इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है,
ऐसे ही इसको उठा उठा हम देख लेंगे, एक बार ऐसे देख लेंगे। ये एक तार बनने लगा है, ज्यादा नहीं बनाना है, तब इसमें हम तिल ऐड कर देंगे। ये तिल हम डाल दिए, इसको हम चला लेंगे अच्छे से। और फिर चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ऐसे ही इसको हम मिला लेंगे। अब इसको ऐसे ही पूरा ऊपर नीचे अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसको हम नीचे रख देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देंगे, जो कि हो चुका है। अब हाथ में पानी लगा के थोड़ा थोड़ा हम इसको गोल गोल लड्डू बना लेंगे। गुड़ मेरा थोड़ा ज़्यादा है, इससे इसका कलर थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसे ही बहुत आराम से बन जाता है। थोड़ी देर में जब ठंडा हो जाएगा तो एक बर्तन में इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, कोई जार में रख लेंगे। लॉन्ग टाइम चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ये देखिए, तो सभी लड्डू देखिए बन गए हैं। थोड़ा सा है नीचे वाला, उसको भी हम दोबारा गरम कर ले लिए हैं। इसको हम फिर अच्छे से बना लेंगे। चाशनी सही हो तो लड्डू परफेक्ट बनता है, चाशनी ही मेन चीज होता है इसका। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी वाला बटन को प्रेस करें, कमेंट में लिखें कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। देखिए सब परफेक्ट लड्डू बनके तैयार है। अब ये टाइट होने लगा है। इसको हम एक बाउल में कर ले रही हूँ, पूरा टाइट हो जाएगा। एक मैं इसको जार में रख लूंगी। थैंक यू सो मच।